बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कल हम लोग इसको छील के इसको अस्तर वगैरह लगा के गए थे। अभी ये प्राइमर सूख गया है हमारा। प्राइमर की जगह पे हम लोगों ने ऑयल पेंट मारा है, ऑयल पेंट वाइट। प्राइमर में थोड़ी तासीयत होती है, कम होती है, ऑयल पेंट में ज़्यादा होती है, इसलिए हमने ऑयल पेंट मारा। ये दीवार अंदर से खुशक थी क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा था। यहाँ से दो तीन फ्लोर के अंदर ये रूम ख़राब है, ऊपर वालों का भी रूम ख़राब है। अभी मैंने इसको ऑयल पेंट मारा है, ऑयल पेंट मार के भी मैं इस पर लापी अपी करूँगा। ये ब्लू वाली दीवार है हमारी, इधर भी पानी आ गया था सारा। ये फाड़ के हमने इसको भी ऑयल पेंट का अस्तर मारा है ये सारा। ये देखें, इस सब ऑयल पेंट का अस्तर लगाई मैं फिलिंग करने लगाऊँ। ये पड़ी है मेरी लापी, अभी मैं लापी करना शुरू कर रहा हूँ। अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30। आज हम लोग 9:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं काम को। इसको भी मैंने बोला है साहब को एक हाथ वाइट ऑयल पेंट का लगा लें क्योंकि शाइनिंग आ जाएगी। क्योंकि इसके पे ऑयल पेंट लगा हुआ है, पुराने ज़माने की बनी हुई है, मगर अच्छी चीज़ है, लकड़ी बेहतरीन लगी हुई है। अभी ऐसी अलमारी बना भी नहीं सकते लोग, ना ऐसी लकड़ी मिलती है अभी, क्योंकि सब दो नंबर काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सब दो नंबर काम हो रहा है। अगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना काम अच्छे से अच्छा करें, बेहतरीन करें और कम से कम मालिक का या सेठ का खर्चा कम आए, चीज़ अच्छी बन जाए, तो वो दोबारा हमें याद करें, हमें बुलाए। हमारी कोशिश यही होती है कि अपना अपने काम में जो है ना 100% दें, तो कोई दूसरा रंग वाला आके हमारे काम में कोई ऐप ना निकाले। ये वाशरूम हम लोगों ने तैयार कर दिए थे, ये देखेंगे हमारे वाशरूम तैयार है। ये दरवाज़ा बाबा जी लगा रहे हैं, लतीफ़ भाई यहाँ लगे हुए हैं, ये दरवाज़ा डबल कर रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर लगा रहे हैं इसके अंदर। ये देखें नीचे नीचे एक एक शेड, ये नया लगा दिया इन्होंने, ये पुराना लगा हुआ है, ये सारा जंग खा रहा है। देखें ये अभी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है सारा, ये दीवार भी फाइनल कर दी है पूरी, इधर निशान आते सारे, छत भी फाइनल कर दी है हमने, ये दीवार भी फाइनल कर दी है, ये दीवार भी हमारी फाइनल हो गई है। और ये दीवार पर निशाना थे काफ़ी, मैंने स्क्रैप किया था, आपको दिखाया था मैंने, ये पूरा छत पे निशाना थे, ये सब मैंने फाइनल कर दिया। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये भी टचिंग मारी है मैंने, ये फाइनल ही है, हल्का सा निशान था लापी भर के मैंने थोड़ी टचिंग मारी, बाकी फाइनल हो चुका है मेरा रूम क्लियर। ये वाटर मैट लगाया, ये दो दिन में ये कमरा तैयार हो गया, सील वाला कमरा था, इधर सीलन थी सारी, इधर भी और इधर भी, आपको मैंने दिखाया था वीडियो के अंदर। अब ये देख लें हमारा रूम बिल्कुल ओके हो गया, ये वाली दीवार भी हमने मारी है कटिंग करके, अलमारी भी हो गई है हमारी। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारा काम करने का तरीका आपको कैसा लगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।